आज है सेकेंड डे और कल हम लोग प्रेम मंदिर गए ना। हाँ, प्रेम मंदिर गए, खाना खाए और काफी थकान हो गया था। तो आकर चुपचाप सो गया, बिना कुछ किए चुपचाप सो गया। अभी थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि नींद नहीं खुली है। अभी हम लोग फ्रेश हो गए और जा रहे हैं अभी बांके बिहारी जाएंगे। उसके बाद लंच ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद अगर टाइम मिला तो एक बार और प्रेम मंदिर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद का प्लान है कि यहाँ से वृंदावन से मथुरा और मथुरा को एक्सप्लोर करना है। तो जैसे होता है मैं बताता हूँ, बने रहिएगा चैनल पे। और हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी, ठीक है। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी मौसम सुहाना हुआ है आज का, थोड़ी ठंड बढ़ गई थी ना और नींद भी अच्छी आई थकान की वजह से, ठंड भी अच्छी आई एसी की वजह से भाई। लेकिन मजा आया यार, कल बहुत मजा आया, बहुत मजा किया हम दोनों ने। और हमारे सामने जो भैया मिले हैं वो बहुत बड़े वाले कलाकार हैं, ठीक है। आर्टिस्ट ही होते हैं। तो भैया एक बार रिपीट करना प्लीज। राधे राधे, मैं ऑटो चलाता हूँ वृंदावन में और मुंशी बाहर निकालता हूँ पायल की। मेरा भी चैनल है YouTube पे, मेरा चैनल है ब्रज वासी पायल वाले। तो फिलहाल हम लोग बांके बिहारी चल रहे हैं। लगवाते लगवाते फाइनली लग चुका है हमारा भी और हम अब वृंदावासी जाकर हुए हैं। गौतम आगे आगे चल रहा है और ये गलियां हैं, पता ये जो घुमावेदार और बहुत सारी जो गलियां हैं ना, यही हमें ना उससे जुड़े रखती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि खुले लॉन जगह ये। और गौतम गलियों में घूम के कैसा लग रहा भाई? बहुत खूबसूरत फीलिंग, बनारस वाला फील आ रहा है। तुम तो BHU से निकले हो भाई, एकदम बनारस तुम्हारे रोम रोम में है। बहुत खूबसूरत है तो लेकिन हाँ, ये इसको भी भाई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ब्रो। मैच कर रहा है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि भाई सच में जो गलियों से आ रही है ना। और भाई मैं क्या बताऊँ, सुबह खुशबू, हाँ मैं भी यही कहने वाला था कि सुबह सुबह जो खुशबू आ रही है ना भाई, ओ माय गॉड यार, मैं बता नहीं सकता। पहले पूजा करते उसके बाद। वैसे दोस्तों मंदिर तो काफी बड़ा था और काफी खूबसूरत था और काफी शांति यहाँ पे थी, लेकिन कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए ज्यादा हम लोग फुटेज ले नहीं पाए। क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक का भाई? अभी तक का बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, बस एक चीज़ का डर है यहाँ पे आने के बाद, बंदर, वो है बंदर। और दूसरा बात ये है कि खाना पीना हो तो सीधे बांके बिहारी आ जाओ। हाँ, ये गली खाने पीने के लिए बहुत बेहतरीन है, खाने पीने के लिए। और चाट खाने के बाद मजा आ गया। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं प्रेम मंदिर चल रहे हैं और प्रेम मंदिर थोड़ा सा दिन का वाला व्यू ले लेते हैं क्योंकि कल रात में थोड़ा सा फोटो हम लोग का खराब आ गया। हाँ ठीक है। और चाट इतना हैवी था ना बाबे, मैं बता नहीं सकता यार, पेट भर गया। खाने की जरूरत नहीं है, अब सीधे प्रेम मंदिर चलते हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे मथुरा के लिए, चेकआउट करके मथुरा की टिकट करते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं प्रेम मंदिर फिर से, काफ़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है ये। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए निकल रहे हैं हम लोग,
और काफ़ी खूबसूरत है वृंदावन, आइएगा जरूर आप लोग, ये बहुत खूबसूरत है, हर जगह मंदिर मंदिर, मतलब तो बहुत बढ़िया लगा, खाना पीना तो बहुत टेस्टी और काफ़ी सस्ता में हो गया हम लोग का, मज़ा आ गया, हमने सोचा 150 लेकिन 90 में हो जाएगा। तो हम लोग मथुरा आ चुके हैं और जा रहे हैं कृष्ण भूमि, और वृंदावन के लोग काफ़ी प्यारे थे यार, बहुत प्यारे थे। देखो जहाँ टूरिस्ट पैलेस होता है वहाँ पर थोड़ा सा तो महंगाई रहती ही है, लेकिन बढ़िया लुक है, बहुत बढ़िया लुक है, सब कुछ बढ़िया था वृंदावन का। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं, दर्शन करते हैं। मोबाइल तो वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से दिखाते हैं जितना भी है। तो फिलहाल अभी आ गए हम लोग कृष्ण जन्मभूमि, और इसके अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो बाहर छोड़ते हैं और अंदर जाके दर्शन करके आते हैं, फिर बात करते हैं। तो हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिया, क्या खूबसूरत जगह था, इसको एक्सप्लेन करते हैं बाद में, फिलहाल अभी चलते हैं। कैमरा अलाउड नहीं था अंदर ले जाने, कैमरा अलाउड नहीं था, विजुअल तो वहाँ की नहीं दिखेगी। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कंस का जो वध था वो देवकी और वासुदेव की संतान करने वाली थी, इस वजह से कंस ने क्या किया था, अपनी बहन देवकी को और वासुदेव को जेल में डाल दिया था। तो मंदिर के अंदर हमने देखा कि जो कारागार था, जो जेल था, वहीं पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, और वहीं से वासुदेव ने उनको उठाकर यमुना पार कराते हुए यमुना पार गोकुल ले गए, आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। और जो रास्ता से होकर वो गुजरे थे वो अभी वहाँ पे मस्जिद बना हुआ है, और एक ही बस जो कमरा है जहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वो मंदिर जो मस्जिद का दीवार है उससे सटा हुआ है, और वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी मतलब अजीब सा फीलिंग था वो, काफ़ी मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल। और वहाँ पे भगवान कृष्ण का सब कुछ वहाँ पे था, वो जेल था वहाँ पे, और उसी के बगल में आपको बिरला मंदिर आपको दिख जाएगा। फ़ोटो अलाउड नहीं था इसलिए हम लोग ज़्यादा फ़ोटो वहाँ का नहीं ले पाए। पहले चलते हैं यहाँ से विश्राम घाट, अब हम बनेंगे असली ब्लॉगर, ठीक है। तो दोस्तों हम बैठ गए हैं रिक्शा पे और जा रहे हैं विश्राम घाट, बड़ा मज़ा होता भाई, बहुत मज़ा होता भाई। इंकर फैंटेसी रहो उल्टा बैठल, ठीक बनू हमार ना रहो आई, मतलब कि मजा आ रहा है यार रिक्शे में, बड़ा मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। मथुरा को भी एक्सप्लोर करने, एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आ रहा है, मथुरा भी खूबसूरत जगह है, एक बार दिखा दो हमारे व्यूवर्स को। यस ब्रो, कृष्ण जन्मभूमि जो थी यार बहुत खूबसूरत जगह था, जो कारागार था जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे भाई मेरे, ठीक है। जामा मस्जिद बोलते हैं इसे, आप एक बार ले लो, राम भरोसे और सीते गुरु मार्ग है ये, और इस मस्जिद को हम मतलब यहाँ के लोग जामा मस्जिद कहते हैं। ये ना मतलब भाई ये अलग ही है, अलग एक्सपीरियंस है ये। और ये है द्वारकाधीश मंदिर, और फिलहाल बंद है, तो इसको नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे हम लोग, फिलहाल कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए प्लान बना है। और काफ़ी खूबसूरत गलियाँ है यार, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत गली है, मतलब बनारस की याद आ रही, बनारस की गलियों की तरह खुशबू, कचौड़ी की, घी की, सब कुछ बनारस। और फिलहाल हम लोग आ गए हैं विश्राम घाट, चलते हैं। तो दोस्तों ये वही घाट है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके यहाँ पे विश्राम किया था। और फिलहाल अभी हम चल रहे हैं गोकुल, यहाँ से ऑटो लेते हैं, चलते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग मथुरा में थे और मथुरा लाल हो गई, मथुरा से हम लोग जा रहे हैं गोकुल, और गोकुल के आगे है महावन, ठीक है, जहाँ पे भगवान कृष्ण मतलब मथुरा से आने के बाद वहाँ पे उनकी लीलाएँ हुई थी, उनका बचपन बीता था, और उनके महल को सबको देखेंगे और देखते हुए आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने गोकुल का तो नाम सुना ही होगा, यहीं पे वासुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण को यमुना पार कराकर कंस की वजह से लाया था, और यहीं पे कृष्ण का जीवन जो बाल्यावस्था था उनका बचपन था बीता हुआ था।
आज भी यहाँ एक 84 खंभों का महल है जिसे नंद भवन कहते हैं। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के माखन खाए हुए हाथ जो पिलर है वहाँ पे 84 खंभे हैं, वहाँ पे पूछे हुए मिलेंगे, बांसुरी के निशान मिलेंगे। काफ़ी मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत खूबसूरत जगह है वो। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे 84 खंभे हैं, और 84 खंभे एक जैसे नहीं है, सभी अलग अलग तरह के हैं और उन्हें आज तक गिना नहीं जा सका। हम लोग अभी जा रहे हैं महावन चौक, और उसके बाद वहीं पे भगवान कृष्ण खेला करते थे। और ये गांव काफ़ी साफ़ सुथरा है, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है। ऐसा हमारा गांव नहीं है यार, से ले लो जगह कौन सी, ये पूरा नंद बाबा का घर है 84 खंभा, ये पूरा नंद बाबा का किला बोलते थे। यह कूट नाका बकिया भगवान ने कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये सब लौट कर देखेंगे, पहले मेन मंदिर दर्शन की। अभी कौन सा मंदिर देख के आए, अभी तो विश्राम घाट से ही पे, विश्राम घाट से सीधा आए। इधर से ये दो रास्ते हैं मंदिर के जाने के लिए, एक तो ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है। ये आगे वाले रास्ते का नाम बोलते हैं चोर रास्ता, भगवान को मथुरा से चोरी करके लेके आए ना, तो आगे वाले रास्ते से लाए, तो ये वाला रास्ता है जिससे हम आए। इस वाले रास्ते से योग यहाँ नहीं लेगा, यहाँ बंदर चश्मा मोबाइल पर्स कुछ नहीं लेगा, ये हमारी गारंटी है, कुछ नहीं लेगा। वृंदावन में चश्मा छोड़े हैं, यहाँ माखन छोड़े हैं, यहाँ खाने पीने की चीज़ को ले जाएगा। यही रास्ते से वसदीप जी लाए भगवान को यमुना नदी पार करके। ये सामने नंद बाबा का गौशाला और ये सामने नंद बाबा का किला, ये पूरा 2.5 कोस के अंदर में आता है, 7.5 किलोमीटर के एरिया। ये है गौशाला, किला कौन है भैया? ये रास्ते का नाम बोलते हैं चोर रास्ता। पहले यमुना नदी रोड पे रहता था, ये लिखा हुआ है, वसुदेव द्वार भगवान को स्वरूप से लाए थे, यमुना नदी पार कर। सुनते रहो, इधर आ जाओ, मंदिर तो तुम्हारे घर में भी है, भगवान तुम्हारे हृदय में भी है। यहाँ आने का क्या महत्व है, ये भूमि का, ये नंद बाबा का गौशाला है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, ये पूरा जंगल एरिया था। यहाँ नंद बाबा के मदर कितना गाय रहता था, 9 लाख, क्योंकि 9 भाई थे, तो 1-1 लाख गाय 9 भाई पे रहता था। नंद बाबा टाइम 9 लाख गाय रहता था, आज भी 2000 गाय वास करता है। अभी चारे पे गया है, शाम को आएगा। नंद बाबा टाइम 9 लाख गाय रहता था, आज भी 2000 गाय वास करता है। हमारी ब्रज भाषा में बोलते हैं मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, जिसका कर्म भाग फूटे जो बाहर गाँव जाए। मथुरा लोगों में चतुर्वेदी ब्राह्मण होते हैं ना, चौबे लोग, वो अपना लड़का लड़की की शादी मथुरा में कर देते हैं, मथुरा से बाहर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ गोकुल की गाय बेची नहीं जाती, कसाई को दी नहीं जाती, जिस पर खवाने पवाने को नहीं होता वो नंद बाबा की गौशाला में छोड़ देता है और ट्रस्ट उसका पालन करता है। बोला गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं जो गोकुल में आके जो हंसता है उसका घर गाँव हंसता है, जो गोकुल में आके जो रोता है वो अपना दोनों जीवन खोता है। यहाँ खोने के लिए कोई नहीं आता, सब पाने के लिए। ये पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ से चंदन लगवा ले। अभी हम लोग जा रहे हैं नंद बाबा के महल की ओर, महल की ओर ना। तो दोस्तों यही है 84 खंभों वाला महल, जिसे नंद भवन भी कहते हैं, नंद महल भी कहते हैं। और ये जो पिलर दिख रहे हैं, यहीं पे भगवान कृष्ण माखन खाकर अपना हाथ पोछते थे। और अंदर में जो ये दिख रहा है, यहाँ पे बांसुरी के निशान कहीं पे है। अंदर जाना अलाउड नहीं था, कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए ज़्यादा हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। तो दोस्तों आ गए हम लोग रमन रेती, और अचानक से चैनल को चेंज करना पड़ता है, कभी कुछ किसी मूड में थे, अभी किसी और मूड में है, ठीक है। रमन रेती आते हैं यहाँ, देखते हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे नई गोकुल, ये पुरानी गोकुल थी जो नंद भवन भी कहते हैं उसे। अभी रमन रेती चलते हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत जगह है ये भी, ये रमन रेती जाती है। और ये जो है आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। इधर रमन रहती है और इधर हिरन वाला। तो दोस्तों रमन रेती के सामने हिरन और हंस रहते हैं। और रमन रेती का ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहीं पे खेला करते थे, ये जो रेत आप देख रहे हैं इसी में वो खेला करते थे।
और आज भी उनकी खुशबू यहाँ से आती है और लोग आज भी यहाँ पे उनकी खुशबू महसूस करने के लिए इस रेत में अपने आप को लपेटते हैं। और देख रहे हो किस तरह से लोग अपने आप को उसके अंदर समाहित कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है ये। ब्रो हम लोग गोकुल घूम हो गए और ये है नई गोकुल। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पे और दोस्तों ये है नई गोकुल। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो श्राप देते हैं और उस श्राप को मतलब छुटकारा उस श्राप से पाने के लिए यहाँ पे पांडा लोग रहते हैं जो 2-3 हज़ार रुपया लेकर और उस श्राप को काट देते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत मतलब मुझे सबसे ज़्यादा डर यहाँ पे लगा, काफ़ी मतलब अनजान लोग आपको अजीब अजीब तरह की बातें बोलते हैं तो ये काफ़ी डरावना था। और यहाँ पे मतलब इन सब चीज़ों से आप बचें, अगर कोई पांडा बोलता है कि आपके श्राप कटवाना है तो उन सब चीज़ों में आप ना फंसें। लेकिन ये काफ़ी मुझे डरावना लगा, मतलब मुझे लग रहा था कि ना मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये वही रास्ता है जहाँ से वासुदेव ने कृष्ण भगवान को मथुरा से लाकर इसी रास्ते से होकर नंद भवन तक पहुँचाया था और यहीं से नंद भवन गए थे भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं किसी और नए जगह पर नए लोगों के साथ। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आप सभी को राधे राधे।